जॉब संबंधी अपडेट पाने के लिए जागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवजागृति यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई जॉब की जानकारी। और आज की जो जॉब है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA इंडिया हैबिटेट सेंटर कोर 6A फर्स्ट फ्लोर लोधी रोड न्यू दिल्ली इंडिया से है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, LDC, कंप्यूटर ऑपरेटर और वेरियस वैकेंसीज निकाली हुई हैं। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं तो नेम ऑफ पोस्ट जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ग्रेजुएट कॉमर्स से होना चाहिए और इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा है और इसका पे स्केल 44,900 का है, प्लस अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे और एज लिमिट इसमें 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 पोस्ट है। नेम ऑफ पोस्ट प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए सॉफ्टवेयर सिस्टम मैनेजमेंट में या उसके इक्विवेलेंट हो, समकक्ष हो कोई। पे स्केल का 44,900 है, प्लस अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे। एज लिमिट इसमें 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कुल पोस्ट 1 है। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए योग्यता 12वीं पास होना चाहिए और टाइप में इंग्लिश टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसका पे स्केल 19,900 का है और इसके अलावा प्लस अदर अलाउंसेज भी हैं। एज लिमिट इसमें 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी कुल पोस्ट 2 हैं। स्टेनोग्राफर, ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर का पद है, इसमें ग्रेजुएट मांगा है बैचलर्स डिग्री और या फिर उसके समकक्ष हो। इसके अलावा इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और इंग्लिश टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति। इसका पे स्केल 25,500 है और प्लस अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे। एज लिमिट इसमें 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और इसकी कुल पोस्ट है 1। सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन योग्यता इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके समकक्ष और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और 40 शब्द प्रति मिनट की गति इंग्लिश टाइप में होनी चाहिए। पे स्केल इसका 35,400 का है और प्लस अदर अलाउंसेज और एज लिमिट इसमें 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल पोस्ट इसमें 1 है। अपर डिवीजन क्लर्क UTC के लिए भी एक्सपीरियंस अनुभव 5 साल का मांगा गया है ड्राफ्टिंग और अकाउंट्स में और इसकी योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए या उसकी समकक्ष और मिनिमम कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति इंग्लिश टाइप में होनी चाहिए। पे स्केल इसका 25,500 का है और प्लस अदर अलाउंसेस। एज लिमिट 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और इसकी टोटल पोस्ट है 1। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी अनुभव मांगा गया है कम से कम 1 साल का और इसमें योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके समकक्ष और 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सिस्टम या मैनेजमेंट या उसके समकक्ष का हो। पे स्केल इसका 25,500 का है और प्लस अदर अलाउंसेज भी। एज लिमिट
30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और इसकी कुल पोस्ट है एक। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें? तो एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विथ कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट्स एंड क्लोजिंग देयर विथ ए ड्राफ्ट ऑफ ₹100। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जिसमें प्रत्येक पद के लिए ₹100 का ड्राफ्ट संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नई दिल्ली में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना चाहिए। इसमें जो ड्राफ्ट बनेगा वो ₹100 का बनेगा और ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से दे होगा नई दिल्ली में, और ये रजिस्टर्ड डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा 15/12/2017 तक पहुंच जाना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के ऑफिस पर। इसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2017। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रेफर टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन एट। इससे अधिक जानकारी के लिए ऑफिस की वेबसाइट www.coa.gov.in पर जाकर के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं।